ये स्कूल का हेड नहीं है, ये कैसा स्कूल है, शर्म आती है इसको स्कूल बोलते हुए। टीचर चाहिए, टीचर चाहिए बस। और मदीद है आप सबका डेली इंडिया में। मेरा नाम है अमीर कैसर, इस समय हम मौजूद है जिले गांधरबल के खानन इलाके में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉयज हाई स्कूल खाना जो बच्चे हैं वो सराफा एहतजाज पे, रोड पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया और नारेबाजी जमकर हो रही। इनकी नारेबाजी, इनकी नाराजगी तो हम इन्हीं से जान लेंगे, मगर फिलहाल हम आपको इस प्रोटेस्ट के हवाले से बताएंगे। ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो बॉयज हाई स्कूल खाना ने, यहाँ पे जो टीचिंग अमला है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बॉयज हाई स्कूल में सिर्फ 3 टीचर्स पढ़ा रहे, बाकी जो है वो आधे लीव पे है, आधे ट्रांसफर है। कुल मिला के अगर हम देखें यहाँ पे कि बॉयज हाई स्कूल खानन में हेडमास्टर भी अवेलेबल नहीं है, आखिर किस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते। ये जो बच्चे ये आज मजबूर हो गए सराफा एहतजाज पे, पूरी तरीके से रोड ब्लॉक किया गया और शरण की कोशिश करेंगे तो उन्हें अपना ना होते क्या प्रॉब्लम है। सर मेरा नाम यास्मीना, मैं 9वीं जमात की तालिबे हूँ। सर सर पिछले 2 हफ्ते से यहाँ टीचर आते, टीचर चेंज करते, सर ये हमारे साथ खिलवाड़ लगा के रखा है। सर हमारे स्कूल में पहले 14 टीचर थे, 14 टीचरों में से अब पहले सब टीचर थे, अच्छे सब पढ़ाते थे सर, लेकिन हमें अब 5 टीचर है, 5 टीचरों में से 3 टीचर अवेलेबल है। 2 टीचर थे उनको भी लिया शौक सर, और निशा सर की ट्रांसफर हुई सर आज, हमें टीचर चाहिए और कुछ नहीं। बात करने की कोशिश करिए, पढ़ो ना तो क्या प्रॉब्लम। मेरा नाम शिगुप्ता है, यहाँ पे प्रॉब्लम टीचरों की है, यहाँ पे 4 मंथ हो गए, टीचर कोई भी नहीं है। जब भी हम यहाँ पे कहते बोलेंगे आ जाएंगे, उस मंडे को आएंगे, इस मंडे को कोई टीचर नहीं। फिर हम गए सरपंच जी के घर में, उसे बोला, उसने फिर उसके बाद 2 टीचर आए, वो आज चले गए, हमें रोड पे नहीं निकलने दिया। टीचरों ने कहा 4 बजे के बाद आना, यूनिफॉर्म और अपने पेरेंट्स को साथ लेके आना। उस टाइम हम क्या करेंगे, कौन हमें बोल, इस टाइम हम निकले तो कोई आएगा, हमारी आवाज सुनेगा। सुबह से आप सराफा एहतजाज, यहाँ पे कोई आया है सुबह से? नहीं, कोई नहीं आया, एक पुलिस आई है और कोई भी नहीं आया। और क्या चाहते हैं आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से? हमें टीचर चाहिए, टीचर चाहिए, टीचर चाहिए बस। और आपने बोला 4 मंथ से टीचर नहीं है, 4 मंथ से आप क्या कर रहे हैं? हमें सर 2 महीने से टीचर नहीं है। देखो सर टीचर आते हैं फिर उनको कोई टीचर नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई टीचर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसलिए फिर यहाँ पे हमें खाली ये करते हैं, टीचर लाते हैं वापस भेजते हैं, लाते हैं वापस भेजते हैं। हेड के हेड जो होता है स्कूल का है ही नहीं, है ही नहीं, जिससे स्कूल चलता है वो है ही नहीं। वो है जो यहाँ पे टीचर से क्या वो आपको पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, हाँ पढ़ाते हैं वो टीचर, लेकिन 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 हम 10th में, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। वो अपनी क्लास देते हैं, वो टीचर अपनी क्लास देते हैं और चले जाते हैं। जो टीचर प्रेजेंट ही नहीं, वो कौन सी क्लास, एक बोलता है मुझे मैथ नहीं आती, दूसरा बोलता है मुझे सोशल साइंस नहीं आती, यहाँ पे क्या आती, और मेरे स्कूल के टीचर क्या करें, हाई स्कूल में टीचर नहीं आते, हेड स्कूल का हेड नहीं है, ये कैसा स्कूल है, शर्म आती है इसको स्कूल बोलते हुए। बोला कल मंडे था, बोला कल हेड टीचर आएगा और साथ में 2 टीचर भी आए, यहाँ से 2 टीचर लिए ना, हेड टीचर आया। सर बहुत शुक्रिया, यही डिमांड है कि यहाँ पे टीचर जो है अवेलेबल है, हमारे पास जो हो रही है यहाँ पे सिर्फ अभी 2 टीचर जो है वो अवेलेबल, वो 2 टीचर जो है सारे क्लासों को पढ़ाते हैं। आखिर शर्म की बात है कि यहाँ पे इस इलाके में 2 टीचर्स अवेलेबल, हाई स्कूल में 2 टीचर्स अवेलेबल होना ये एक शर्म की बात है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट पे एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो दावे होते हैं कि हम एजुकेशन को आम करेंगे, ये एजुकेशन आम है और ये बच्चे जो है वो सराफा है। जहाँ पे अभी वाली बात होगी कि कब तक यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ यहाँ पे आएगा और इन बच्चों की नाराजगी को वो दूर करेगा। कैमरा पर्सन बेगारे के साथ मैं डेली इंडिया कंगन गांधी।